दोस्तों, इंसान कुर्राए ज़मीन पर कदम रखते ही फितरत को समझने, उसकी बनावट और राजों को जानने की जस्तजू में लग गया और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखीं जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया पर इंसान की शुरुआत कैसे हुई। आज की वीडियो में हम कुरान के 10 ऐसे मौजज़ात का जिक्र करेंगे जिसे साइंस ने खुद साबित किया है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की शुरुआत। हम सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसी मौजू पर कुरान की सूरह अंबिया में यूं इरशाद होता है, और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई तो क्या वो ईमान न लाएंगे। आज हमें साइंस बताती है कि ज़मीन पर रहने वाली मखलूकात के सेल्स पानी से बने हुए हैं। मसलन किसी भी इंसान के सेल्स को अगर स्टडी किया जाए तो वो 70% पानी से बना हुआ होता है, और इसकी तस्दीक माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है, जिसका आविष्कार 12वीं सदी में हुआ। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। नंबर 2, लोहा, जो कि ज़मीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है, मगर ये ज़मीन की धातु नहीं है बल्कि ये आसमान से यहाँ आया है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये हकीकत है। साइंस ने एक खोज निकाला है कि 400 साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और ये मेट्रॉइड्स यानी बड़े बड़े पत्थरों के ज़रिए ये लोहा हमारी ज़मीन पर आया, जिसका जिक्र हमें 1400 साल पहले कुरान की सूरह हदीद में यूँ मिलता है। और हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फ़ायदा उठा सके। नंबर 3, आसमान हमारी हिफाजत करता है। ज़मीन को सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाने के लिए आसमान एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन ज़मीन पर ज़िंदगी को जलाकर ख़त्म कर चुकी होती। आसमान ज़मीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है, जो ज़मीन को जमा देने वाली ठंड से बचाए रखता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -270 सेंटीग्रेड होता है, यानी ये ठंड ज़मीन पर ज़िंदगी को जमाकर ख़त्म कर सकती है, मगर आसमान हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं और शदीद जमा देने वाली ठंड दोनों से ही महफूज रखता है। कुरान में अल्लाह आसमान का जिक्र करते हुए फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और वो लोग उसकी निशानियों से मुँह फेर लेते हैं। नंबर 4, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों की तरफ एक बहुत ही ख़ास पहलू की तरफ खींचता है। कुरान की सूरह नबा में यूं इरशाद होता है कि हमने ज़मीन को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे। कुरान का मफहूम है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक दबी हुई हैं, और इसकी तस्दीक जियोफिजिक्स फ्रैंक प्रिंस की लिखी हुई किताब दी अर्थ में मिलती है कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं। वो जितना ज़मीन के ऊपर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के नीचे होते हैं, जिसकी एक मिसाल माउंट एवरेज, जो कि दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है, जिसके ज़मीन के ऊपर की ऊंचाई 9 किलोमीटर है जबकि इसके ज़मीन के अंदर की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है, और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक की तकनीक के बाद ही मुमकिन हो पाया है। नंबर 5, कायनात का फैलना। आज से 1400 साल पहले जब फलकियात का इल्म मौजूद नहीं था, जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त कुरान इस कायनात के बारे में इरशाद फरमाता है, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। और इसकी तस्दीक 20वीं सदी के एक अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब ए ब्रीफ ऑफ द टाइम में लिखते हैं कि ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। हैरान करने वाली दोस्तों बात यह है कि इसका जिक्र कुरान में टेलीस्कोप के ईजाद से 1400 साल पहले ही हो चुका है।